वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, और ये दरवाजा है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत के सभी वीर जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर जो कि स्थित है राजस्थान के जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर बबलियान पोस्ट। और दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ से आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फेंसिंग की गई है उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कितने सारे जो टूरिस्ट हैं वो इस भारत पाकिस्तान की उस रेखा को देखने के लिए आए हैं जिसका जिक्र हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो जैसलमेर में जब हम आए तो हमें यहाँ पर इस बबलियान पोस्ट को देखने का मौका मिला है। सामने की तरफ लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, और इस बॉर्डर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहरी जो नज़ारा है वो भी दिखा देता हूं और आपको समझा देता हूं कि किस वाले हिस्से से भारत नज़दीक पड़ेगा तो किस वाले हिस्से से पाकिस्तान नज़दीक पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे की तरफ और यहाँ की कुछ चीज़ों को ग्रैब करते हैं, अपनी इस वीडियो में कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आज आप देख रहे हैं ये सारे का सारा हिस्सा है हमारे भारत की सीमा के अंतर्गत। और यदि आप इस सीमा के अंतर्गत वाले हिस्से में सामने की तरफ कुछ फेंसिंग देख पा रहे हैं तो उस फेंसिंग के पीछे वाला जितना भी पोर्शन बना हुआ है वो पाकिस्तान के पास में है। और पाकिस्तान की जो चौकी है वो सामने की तरफ हम यहाँ से थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग पर तीन सैनिक जो हमें काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं वो हम देख रहे हैं। जो पूरा पोर्शन है वो है पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत, और ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारे भारत की सीमा के अंतर्गत। ये बात तो हम सभी को पता है कि 1947 विभाजन के बाद में भारत के अंदर से ही पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो दिया गया था। लेकिन जो ये वाला स्थान है यानी कि राजस्थान का जैसलमेर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। जो फेंसिंग है वो 1947 के समय में नहीं की गई थी, यानी कि इस गांव के और उस तरफ के जितने भी लोग थे उनमें आपसी संबंध अच्छे थे, लोग एक दूसरे गांव में शादियां किया करते थे, यहां के लोग उनके समारोह में और वहां के लोग यहां के समारोह में शामिल हुआ करते थे। लेकिन यदि हम दो युद्धों का जिक्र करते हैं 1965 और 1971, इन लड़ाइयों के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसको मजबूत करने का वक्त आ चुका था क्योंकि बार बार पाकिस्तान घुसपैठी की तरह हमारे भारत की सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था और हमारे वीर जवानों ने उनको खदेड़ के यहाँ से भगाया भी था, जिसके सबूत आपको जैसलमेर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेंगे। जैसे कि तनोट माता मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ साक्ष्य रखे गए हैं, आप लोंगेवाला बॉर्डर जाएंगे तो वहाँ भी कुछ साक्ष्य रखे गए हैं, और जब आप इस पोस्ट पर आएंगे तो इस पोस्ट से भी आप देख पाएंगे कि भारत और पाकिस्तान की जो चौकियाँ बनी हैं कहाँ पर सैनिक तैनात होते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट से हम एक बार ज़रा सामने की तरफ ही देखते हैं तो उस हिस्से को कहा जाता है व्यू पॉइंट, और वही व्यू पॉइंट है जहां से हम थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे और इन दोनों सीमाओं के अंतर्गत जो भी हिस्सा है वो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बाकी जितनी भी बातें हैं वो हम इसके अंदर जाने के बाद में करेंगे और यहाँ की वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर दिल्ली से तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर आए हैं इस हिस्से को देखने के लिए, अपने वीर जवान अपने योद्धाओं की उस बहादुरी के उस इतिहास को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ। तनोट माता मंदिर के वहां पर परमिशन लेने के बाद में ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसकी सहायता से हम इस बॉर्डर लाइन पर पहुंच सकते हैं। सामने की तरफ जो येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहीं से पानी की सप्लाई होती है यहाँ की जितनी भी चौकियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ से यदि आप इस हिस्से को देखते हैं तो देखकर बड़ा ही हमें फख्र महसूस होता है और एक अलग सी एनर्जी आती है क्योंकि यहाँ लिखा है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए कितने
सैलानी जो आए हैं, जितने भी लोग जैसलमेर को घूमने के लिए आते हैं, तो उनके दिमाग में विचार जरूर बनता है कि एक बार हम इस बॉर्डर लाइन को भी देखें, एक बार यहाँ की सभी चीज़ों को कैप्चर करें। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ से कुछ चीज़ों को हम कैप्चर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रहारी पोस्ट, जो हमारे वीर जवान यहाँ पे तैनात रहते हैं। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ये बच्चों का खेलने का एक छोटा सा पार्क बनाया गया है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ के डायरेक्ट वॉच टावर पॉइंट पर। दोस्तों सामने की तरफ जो आप हमारी भारतीय सेना की वर्दी जैसे कलर की एक बिल्डिंग देख रहे हैं छोटी सी, वहाँ पे हमारे सैनिक तैनात होते हैं और वो 24 घंटे निगरानी करते हैं कि जो दुश्मन है वो यहाँ पर कुछ घुसपैठी जैसे काम ना करें। इसीलिए उस वाले हिस्से में एक पाथ बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है जो जितनी भी यहाँ की चेक पोस्ट है उनको डायरेक्ट कनेक्ट भी करता है, और रात के समय में यहाँ पर वो सुरक्षा का जो पूरा ध्यान है वो रखते हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हलचल होती है तो वो हलचल इनको पता लग सके। और ये पूरा जो हिस्सा है ये इस रेगिस्तानी मरुस्थल की ज़मीन पर बना हुआ है। यदि आप बहुत दूर तक भी देखेंगे दोस्तों तो आपको ना इंसान दिखेगा पीछे वाले हिस्से में, ना इंसान की जात। जानवर भी यहाँ पे सिर्फ कौन से देखने को मिलते हैं, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, कुछ खच्चर हो गए। तो बड़ा ही मुश्किल है इतनी गर्म और सर्द समय में यहाँ के जो सैनिक हैं वो 24 घंटे हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात रहते हैं। तो सबसे पहला मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत के सभी वीर जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि वो हमारे बॉर्डर पर तैनात रहकर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हो तो परेड ग्राउंड है, इस ग्राउंड में चेयर लगाई गई हैं। जब कभी भी यहाँ पे परेड का जो वो महोत्सव मनाया जाता है तो लोग यहाँ बैठकर उसका आनंद लेते हैं। इसके बाद में यदि आप इस वाले हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है वेपन डिस्प्ले एरिया। और सबसे जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है वो है दोस्तों सामने वाला। तो यहाँ के सब चीज़ हम कैप्चर करते करते उस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं वो अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं और वहाँ से जो भी नज़ारा वो ले रहे हैं उस नज़ारे को हम देखेंगे अब सीधा वहाँ जाकर। आइए